जाना है। भाई चाय दे दो, लेट हो रहा है, ऑफिस जाना है। अरे कोई सुन भी रहा है? हाँ, कैसे ऑफिस जाऊं? खुश रहो, खुश। विद्या, आरती, आओ आओ। यहाँ बैठे हो? हाँ? अरे आवा सूरज, कहाँ गायब हो आजकल? भाई नई नई शादी हुई है तो गायब तो हो गई, दिन भर अपनी लुगाई के साथ लगा रहता होगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अब इतना काम रहता है कि क्या करे इंसान, लाइफ में परेशान रहते हैं। काम ही होगा, वरना बीवी तो इसकी दिन भर उस आरती के साथ ही रहती है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, दोस्ती हो गई उन दोनों की, साथ में घूमते हैं बस। हाँ मैं भी अक्सर उसी के साथ देखता हूँ। भाई सूरज, शादी के बाद ना पत्नी का सबसे अच्छा दोस्त पति होता है, लेकिन तुम्हारी पत्नी तो। यार सूरज, कभी कभी तो मुझे लगता है उसने तुमसे नहीं, उस आरती से शादी की है। क्यों? वो आरती आई थी क्या घर पे? वो तो रोज ही आती है। क्यों? नहीं कुछ नहीं, कुछ सुन, आज से तुम्हारा आरती के साथ मिलना जुलना बंद। क्यों? आरती ने क्या किया है? किया कुछ नहीं, उस लड़की का इस घर में आना जाना मुझे पसंद है। मैं तुम्हारा पति हूं ना, तुम्हारे साथ ही रहता हूं ना, जो भी बातें करनी है मेरे साथ कर, समझे? दोस्त है मेरी, इसमें क्या परेशानी है आपको? परेशानी है ये है कि तू उसके चक्कर में मुझे भूलती जा रही, अपने पति को भूल जाती। वो लड़की आज से इस घर में नहीं आएगी, समझी? ये कर क्या रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, आप ये क्या कर रहे हैं? पति को पति का सुख तो नहीं दे रही, उस लड़की से दोस्ती निभा रही। हाँ
ठीक है, अब छोड़िए मुझे। छोड़ू? छोड़िए मुझे। छोड़ू? समझ में नहीं आ। विद्या, विद्या, हाँ। क्या हुआ विद्या, तुम रो क्यों रही हो? आज से तुम्हारा आरती के साथ मिलना जुलना बंद। सूरज के लिए मेरे दिल में कभी कभी वो फीलिंग हुई ही नहीं। सूरज तो क्या, मुझे किसी लड़के के लिए फीलिंग्स नहीं हुई। जो मीठा सा एहसास मुझे तुम्हें देखकर होता है आरती, सूरज के साथ मैं एक पल भी नहीं रहना चाहती। वो हर रात मेरे साथ जबरदस्ती करता है, लेकिन उसके जबरदस्ती करने से मेरे दिल में उसके लिए प्यार नहीं जाग सकता। विद्या, हमें भी तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगता है। आरती, मैं एक पल के लिए भी यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या ऐसा नहीं हो सकता, हम साथ रहें, हम बहुत खुश रहेंगे। हाँ विद्या, हम बहुत खुश रहेंगे और हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे। लेकिन लेकिन मुझे डर लगता है, हम साथ भाग चले। विद्या, हमारा रिश्ता कोई समझ नहीं पाएगा और ना ही कोई कोई समझे ना समझे, हम तो समझते हैं रिश्ता ना, हमारी खुशी है, किसी तीसरे की खुशी से क्या, हम साथ खुश रहेंगे। विद्या, हमें जो अच्छा लगता है, जिससे हमें खुशी मिलती है, दोस्तों सही मायने में वही हमारे दिल के सबसे करीब होता है। आरती और विद्या के साथ भी यही हुआ, उन दोनों को एक दूसरे का साथ बहुत पसंद था और धीरे धीरे उनकी यही दोस्ती प्यार में बदल गई। आरती और विद्या समाज की परवाह किए बिना अपने इस रिश्ते को आगे बढ़ा रहे थे। क्या उनका ये रिश्ता आगे बढ़ा या फिर अरे नरेश, यहां क्या कर रहा है, घर नहीं गया? चल घर चल। भैया गुस्से से नहीं, शांति से काम लीजिए। मेरे दिमाग में कुछ है, मैं आपसे रात को बात करता हूँ। और हाँ, भाभी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, चलिए।
भैया वो हम कह रहे थे कि हमें एक मोबाइल चाहिए था, आप अपने भैया से बोल दीजिएगा। ए भाभी मेरे पास है, मैं ही दे देता हूँ। ये लीजिए भाभी, इसमें सिम कार्ड भी है और पैसे भी। वैसे और कोई हेल्प तो नहीं चाहिए आपको? थैंक यू। जी तो करता है कभी इसका गला दबा दे। जी घिन आ रही मुझे इसे। या मैं जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। होश से काम साला, सब समझेंगे कि मैं ना पूछ सकूं, क्योंकि मेरी औरत को एक लड़की से अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। या भाभी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, ये जो सारे फसाद की जड़ है ना वो आरती है। सबक तो उसे सिखाना पड़ेगा, जो भी करना है अब उसका करना है। हेलो, हाँ आरती, कुछ नोट्स चाहिए थे। हाँ थोड़ा अर्जेंट है, अभी आता हूँ। मुझमें ऐसी क्या कमी थी जो तूने मेरी भाभी के साथ रासलीला रचाना शुरू कर दी? जबान संभाल के बात करो नरेश, मैं विद्या से प्यार करती हूँ। प्यार तो अब एक औरत औरत से प्यार करेगी तो हम मर्दों का तो कोई काम ही नहीं बचा। हम बाजा बजाएं? एक औरत को प्यार करने का हक सिर्फ एक मर्द का होता है। तूने मेरा प्यार ठुकरा कर मेरी बेइज्जती की। मैं तुझे बताता हूँ कि एक मर्द किस तरह प्यार करते हैं। दूर रहो उनसे। क्यों रे, मेरी औरत के साथ इश्क लड़ाएगी? दुनिया के सारे लड़के मर गए जो तुझे अपने जिस्म की भूख मिटाने के लिए एक औरत चाहिए? बोल ना। बहुत ज्यादा गर्मी है तेरे अंदर, बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी तेरी गर्मी शांत करता हूं। छोटी जी हमें छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं? मेरी औरत नहीं मिली थी तुझे? हो गया इसका काम तमाम। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी।
भंडा उठा लिए क्या? अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।